तो गाइस फाइनली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि डिजो वॉच डी अल्ट्रा या डिजो वॉच डी प्रो जो आने वाली है उसके साथ कंपैरिजन, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। डिजो वॉच डी प्रो या डी अल्ट्रा तो नहीं है, बट मेरे पास डिजो वॉच डी टॉक है। तो डिजो वॉच डी प्रो की जैसी डिस्प्ले मिलेगी इसमें आपको, तो इसलिए मैं आपके सामने ये कंपैरिजन लेके आया हूँ। इस तरीके से डिस्प्ले मिलेगी और डिस्प्ले क्वालिटी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। डी टॉक के साथ बेसिकली कंपैरिजन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। डी टॉक और डी प्रो का कंपैरिजन सिमिलर ही रहने वाला है, बट डी अल्ट्रा में थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, दैट्स इट। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और लुक और फील इस तरीके से मिलता है। और डिस्प्ले क्वालिटी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे काफ़ी बेटर है दोनों ही वॉचेस की, खासकर मतलब दोनों की बेटर है बेसिकली, ठीक है। बट एमोलेड डिस्प्ले तो ऑब्वियसली बात है, एमोलेड डिस्प्ले ही होती है और एलसीडी डिस्प्ले ही होती है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एप्पल का सीरीज वॉच अल्ट्रा का लुक है पूरा का पूरा इस तरीके से कॉपी किया गया है, और साथ में यहाँ पे और सिमेट्रिकल बेल्स मिलती है यहाँ पे, स्पीकर का वेंट इस तरीके से मिल जाता है और पीछे के साइड डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है। स्पीकर माइक का वेंट मिल जाता है यहाँ पे, माइक का वेंट है और यहाँ पे आपका स्पीकर का वेंट मिलता है। डिजो वॉच डी टॉक बेसिकली में आपको पॉलीकार्बोनेट बैग मिलता है और यहाँ पे स्पीकर का वेंट माइक का वेंट मिलता है और यहाँ पे आपको स्पीकर का वेंट मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो गाइज ये भी है थोड़ा सा डिफरेंट दोनों में, और 2.5D कर्व ग्लास इसमें दी गई, इसमें फ्लैट डिजाइन दिया गया, ठीक है। और गाइज यहाँ पे स्ट्रैप भी एप्पल की तरह यूज़ करेगा, एप्पल के जो सीरीज अल्ट्रा की तरह मिलते हैं, ये काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं हाथ में। और गाइज इसमें स्ट्रैप की क्वालिटी इसमें मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, ये थोड़े से इसमें निशान पड़ जाते हैं जब आप हाथ पे पहनोगे यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है मतलब लुक्स पे प्रेफर करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये लुक फील में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, बेटर लगती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी कह सकता हूँ यहाँ पे इससे काफ़ी बेटर है आपकी ये वाली वॉच की जो है आपकी डी टॉक बेसिकली, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का डायल मिलता है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा मोटा डिज़ाइन है, बॉक्सी डिज़ाइन है, तो लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है, बट आपके थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी, ध्यान रखना ये वॉच, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये आपके लास्ट मीडियम टू थिन तीनों रिस्ट पे चल जाती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे पीक ब्राइटनेस मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, एक काम करते हैं यहाँ पे पीक ब्राइटनेस चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं फुल कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस इतनी मिल जाती है, और यहाँ पे भी अगर मैं फुल करता हूँ तो पीक ब्राइटनेस इतनी मिलती है। तो मतलब लुक और फील कहीं ना कहीं और ब्राइटनेस लेवल्स के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों ही वॉचेज अच्छी लगती है, बट अगेन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे फायरबोल्ट की सुपरनोवा काफ़ी बेटर है आपकी डिजो वॉच डी टॉक से डिस्प्ले के मामले में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं बार बार कन्फ्यूज हो जाता हूँ, इधर की साइड से इसका मैन्यू खुलता है और यहाँ पे हम थोड़ी सी कम कर देते हैं ब्राइटनेस ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल रहे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे टॉगल मेन्यू में इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं दोनों में ही, यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको मेन्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रेस्टोवेक ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे फोन कनेक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो और डीएनडी मोड मिल जाता है, और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करता है, बट सुपरनोवा में बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता है, ध्यान रखना आपको। दोनों में ही डबल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है और इसमें भी आपको डबल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन है, सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन नहीं मिलता, बट अगेन डी प्रो जो आप लोगे ना डिजो की उसमें आपको सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी, उसमें डेडिकेटेड चिप दी गई है उसकी मतलब ग्राफिक्स की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्मूथ स्क्रोलिंग मिलेगी आपको, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। अब गाइस राइट साइड में स्वाइप करते तो शॉर्टकट मिल जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे दैट्स इट। लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पे यहाँ पे ये मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन खुल जाती है, नीचे की साइड से स्वाइप करने पे आपको ये मैसेज नोटिफिकेशन इसमें तो मतलब मैन्यू खुल जाता है और यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ऊपर की साइड से यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। तो गाइस ये है थोड़ा सा इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पे टैप करके होम पे चले आते हैं, यहाँ पे गाइज इधर की साइड से स्वाइप करने पे सेटिंग ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली, सेटिंग ऑप्शन इधर की साइड से आएगा मेरे ख्याल से, और यहाँ पे हम मेन्यू पे चलते हैं। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस की, ठीक है। तो कॉल क्वालिटी कहाँ से आएगी, कॉल वाला ऑप्शन ये रहा और यहाँ पे इसमें ये रहा, तो लाउडनेस इस तरीके से मिलती है सुपरनोवा में, और डिजो की वॉच में ज़्यादा लाउडनेस मिलती है सुपरनोवा से, आप देख सकते हो सुन सकते हो बेसिकली। वैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन दोनों में देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे म्यूट वो कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लाउडनेस मेरे ख्याल से फुली है, ओके, इसमें कम कर रखी है एक्चुअली। यहाँ पे जियो वाला क्या रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है क्या लग रहा है। तो गाइस जियो वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से। वैसे लाउडनेस आपको मैं कह सकता हूँ डिजो की वॉच में ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू सुपरनोवा, ठीक है। और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता, ये फ्लॉ है, और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता, ये फ्लॉ है इसके अंदर, और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत ढूंढा, वॉइस असिस्टेंट नहीं मिला है, बट डिजो वॉच डी प्रो में आपको वॉइस असिस्टेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे और चीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मेन्यू पे चलते हैं, और यहाँ पे भी मेन्यू पे कहाँ से चलना था हमको, मैं भूल गया एक्चुअली, ओके इधर की साइड से, ठीक है। हार्ट रेट ओडो तो एयर चेक करते हैं एक बार, नहीं बता रहा, दोनों में ही फील्ड आ चुका है। और एसपीओ2 चेक करते हैं ओडो तो एयर, यहाँ पे
यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा शायद, ओके नहीं बता रहा है, यहाँ पे दोबारा करते हैं, यहाँ पे नहीं बता रहा है, ठीक है। तो दोनों में SPO2 HR मॉनिटर ओ2 एयर काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे BP मॉनिटर तो नहीं मिलता है, बट स्टेप्स काउंटिंग का ऑप्शन जरूर मिलता है। स्पोर्ट्स मोड में वॉकिंग करेंगे, 50 स्टेप्स चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी किसमें बेटर मिलती है, किसमें आपको खराब मिलती है, ठीक है। तो 3, 2 and 1 फिलहाल यहाँ पे हमने चेक कर लिया, 54 स्टेप्स दिखा रहा है और यहाँ पे आपका दिखा रहा है 52। तो गाइस एक्यूरेसी दोनों में ठीक मिलती है, और यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब गैस यहाँ पे मेन मेन फीचर्स को चेक करते हैं। यहाँ पे जो है आपका गेम्स और कैलकुलेटर, गैस इसमें फिलहाल आपको गेम्स मिल जाते हैं डिजोवॉच रीडॉक में, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको गेम्स मिल जाते हैं और कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, सुपरनोवा में। ये प्लस पॉइंट है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको फीमेल हेड ब्रेकिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फीमेल हेड ब्रेकिंग ऑप्शन इसमें भी मिलता है, आई गेस मैंने देखा था एक्चुअली, और डिजोवॉच डी में देखा था क्या मैंने। और उसी के साथ साथ गेम्स का ऑप्शन तो है ही है। फ्लैश लाइट चेक कर लेते हैं एक बार। तो गैज देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे वाइटिश मिलता है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लूश मिलता है इस तरीके से। अब गैज यहाँ पे सारी सारी चीज़ चेक हो गई। अब ओ टू द हैंड्स पहनते हैं और एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं दोनों में से बेटर किसकी मिलती है। तो गैज दोनों ही कमाल की लग रही हैं और दोनों ही नई लग रही हैं एकदम, क्योंकि नई हैं ये ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिजोवॉच डी टॉक जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, मतलब कह सकते हो लार्ज टू मीडियम रिस्ट के लिए ठीक है, बट थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपके लार्ज टू मीडियम टू थिन तीनों रिस्ट पे चल जाएगी। मैंने ऑक्सीमीटर भी पहन लिया यहाँ पे। गैस यहाँ पे हार्ट रेट चेक करते हैं सबसे पहले, ये रहा हार्ट रेट, ठीक है। यहाँ पे 96 दिखा रहा है SPO2, हार्ट रेट दिखा रहा है 74-75। यहाँ पे देखते हैं कितना दिखाता है, अभी भी हो रहा है तो यहाँ पे 74 पे ही अटका पड़ा है। और यहाँ पे ओके क्लोज टू एक्यूरेट दिखा रहा है हार्ट रेट तो हमारा दोनों में ही, यहाँ पे 74 हो चुका है और यहाँ पे भी 74-76 इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो क्लोज टू एक्यूरेट मिल जाता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, SPO2 चेक करते हैं। यहाँ पे SPO2 है क्या, नहीं इसमें SPO2 नहीं है, इसमें SPO2 आपको अंदर की साइड मिलता है, नीचे की साइड से SPO2, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फिलहाल SPO2 इसमें इतना दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए गाइस अगर आपको एप्पल का लुक सीरीज एट अल्ट्रा का लुक चाहिए तो यहाँ पे फायरबोल्ट की सुपरनोवा को कोई बीट नहीं कर सकता। यहाँ पे विनर तो फायरबोल्ट की सुपरनोवा ही रहेगी। बिल्ड क्वालिटी में ये बहुत थोड़ी सी आग निकल जाती है, लाउडनेस में ये बहुत थोड़ी सी आग निकल जाती है, बट गाइस इसमें फीचर्स भी कम मिलते हैं। ड्यूअल ब्लेड चिप का ऑप्शन दोनों में देखने को मिलता है, बट गाइस ये स्लीक है, स्लिम है, और लुक और फील एप्पल वॉच सीरीज से अल्ट्रा को ही कॉपी करती है एक्जैक्टली। तो यहाँ पे विनर रहेगी सुपरनोवा, और लुक और फील में भी अच्छी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रीमियमनेस में भी अच्छी मिलती है, ये बॉक्सी डिजाइन में मिलती है। तो गाइस मैं इसको रिकमेंड नहीं करता डिजोवॉच डी टॉक को, बट अगेन डिजोवॉच डी प्रो को आप चूज कर सकते हो, बट डी प्रो भी आपकी नॉर्मल लुक में आती है जो अदर वॉचेस आती हैं। थोड़ा सा अगर डिफरेंट लुक चाहिए तो आपको यही वॉच के लिए जाना पड़ेगा सुपरनोवा के लिए। तो यहाँ पे मेरा वोट जाता है फायरबोल्ट की सुपरनोवा को। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।